हेलो फ्रेंड, फ्रेंड्स कैसे हो आप सब? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? देखो, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो बंदा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उसके लिए एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर। और वो यूनिवर्सिटी है तेजपर यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और वहाँ पर वहाँ के फॉर्म है जो ऑनलाइन है प्रेजेंट टाइम में गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तेजपुर यूनिवर्सिटी इज़ लुकिंग फॉर गेस्ट फैकल्टी फॉर वेरियस डिपार्टमेंट एज गिवन इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो जो तेजपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन लिया जाएगा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से फॉर्म ऑनलाइन है प्रेजेंट टाइम में। तो यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो प्लीज़ अपने इस शानदार वाले मौके को मत गवाओ। और तेजपुर यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.tezu.ernet.ni, ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। हम डायरेक्टली आगे चलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, ये सारा हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यदि आप चैनल पर नए हो तो, क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक यूनिवर्सिटी से इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी छोटी हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, एक ऑटोनम सेमेस्टर 2020 के लिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल साइंस से। केमिकल साइंस से यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है। तो यदि आप केमिकल साइंस से यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। टोटल एक सीट है यहाँ पर। और देखो, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके पास नेट होना चाहिए या सेट होना चाहिए या स्लेट होना चाहिए। यदि आपके पास PhD है तो भी बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम जस्ट आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी टोटल एक सीट है, और उसके लिए आपके पास BE होना चाहिए, BTEC होना चाहिए या BS होना चाहिए या ME होना चाहिए या MTEC होना चाहिए, MS होना चाहिए। साथ ही साथ आपको टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर्स इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन डिजायरेबल। ठीक है, डिजायरेबल, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन की बात की जाए तो जो एजुकेशन सब्जेक्ट है वहाँ पर भी टोटल एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स पेडालोजी से। MSc होनी चाहिए मैथमेटिक्स से, वो भी मिनिमम 55% के साथ। इसके अलावा आपके पास नेट होना चाहिए, सेट होना चाहिए या फिर PhD होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल वैकेंसियों से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका, यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो ये है इंटरव्यू की डेट। केमिकल साइंस से 1 सितंबर, इलेक्ट्रिकल साइंस से 3 सितंबर, एजुकेशन से 4 सितंबर, इनको आपका इंटरव्यू होगा। सभी इंटरव्यू मॉर्निंग में 10:30 बजे से होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार सा मौका है, आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, ज़्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी है। हमें एक सीट चाहिए जो हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो थैंक्स देखने के लिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपको हर एक यूनिवर्सिटी से निकलने वाला ऐसा अदर इन्फॉर्म नोटिफिकेशन से आपको तुरंत अपडेट करूँगा। ठीक है,